Hey friends, welcome to the channel and I hope that you all are doing extremely well. तो दिवाली आ गई है ना, तो सबसे पहले मेरे तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। तो मैंने भी इस दिवाली के लिए खरीदे हैं बहुत सारे अलग अलग कलरफुल डिजाइनर मास्क। जी हाँ, मास्क, मैं इसी मास्क की बात कर रहा हूँ। वैसे तो हम सभी मास्क पहनते हैं और ये मास्क हमारा सबसे बड़ा दोस्त बन गया है जो हमें इस कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन इस मास्क का भी एक दुश्मन है जो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता, और ये दुश्मन है ये चश्मा। और ये चश्मा मास्क से इतनी ज्यादा नफरत करता है ना, बस कोई इंसान एक साथ चश्मा और मास्क पहन ले, उसके साथ ये होता है, पूरे चश्मे पे फॉग। भाई कुछ नहीं दिखता, ये फॉग की वजह से हर एक कोने में चले जाता है ये फॉग। मैंने भी एक्सपीरियंस किया है बहुत बार। आपको पता है मास्क को ना नाक और मुंह पे पहना जाता है। कोई कोई ओवर स्मार्ट लोग है ना, वो मास्क को चिन पर पहनते हैं। इतना ही नहीं, कोई कोई ओवर स्मार्ट से भी ज्यादा स्मार्ट लोग है ना, वो ना मास्क को कान पे लटकाए रखते हैं। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड। और पहले तो हम लोग जब घर से बाहर जाते थे ना तो क्या होता था, अरे मोबाइल रख लिया, अरे वॉलेट रख लिया, और अभी क्या होता है पता है, अरे मास्क रख लिया, अरे सैनिटाइजर रख लिया, अरे ग्लव्स रख लिए। और पहले तो हमारी बालकनी में बहुत सारे अलग अलग तरह के कपड़े सूखते थे, पूरा मतलब शो ही खराब हो जाता था। अभी क्या सूखते पता है, मास्क। और आजकल तो मास्क के इतने सारे टाइप इन्वेंट कर दिए ना, N95 सर्जिकल, कपड़े का मास्क, ये मास्क, वो मास्क। और इतना ही नहीं, इन सब के भी अलग अलग डिजाइन बना दिया है। रेड कलर पहनूं या ब्लू कलर का मास्क पहनूं, नहीं ग्रीन ही पहन लेता हूँ। और भी भाई स्कूलों ने यूनिफॉर्म की तरह अपने मास्क बना लिए ऐसे। जब भी हम लोग बाहर जाते हैं ना, लोग ना एलियन की तरह दिखाई देते हैं मुझे, पूरा आधे से ज्यादा मुंह पे मास्क पहन रखा है, और अगर किसने चश्मा पहना है वो भी सफेद फॉग की वजह से, हाथों में ग्लव्स, और बाल अगर किसके हाबूड़े जैसे हो गए वो भी एकदम एलियन लगते हैं, ऐसे लगते हैं लोग। और आपको पता है आजकल कोई कोई लोग ना मास्क के ऊपर भी जेलसी दिखाने लगते हैं। अरे वो शर्मा जी का मास्क देखा, देखो कितना डिजाइनर वाला है, इतना कलरफुल है, और हमारा देखो कितना सिंपल है, कोई बात होती है ये? और इन लोगों को ना मैं कुछ बोलना चाहूंगा। पहली बात, मास्क प्रिकॉशन के लिए होता है, डिजाइन के लिए नहीं। और आजकल तो हमें मास्क पहनने की इतनी ज्यादा आदत हो गई है ना कि कभी कभी ऐसा होता है, मम्मी प्यास लग रही है पानी दे दो, थैंक यू, मास्क निकालना भूल गया। और ये चीज हम सबके साथ हो चुकी है, डोंट लाई, आपके साथ भी ये हुआ है। लेकिन आजकल हम मास्क को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं ना, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो दिन वैक्सीन आएगी हम इस मास्क को ऐसे फेंकेंगे जैसे हम बिरयानी में से इलायची निकाल कर फेंकते हैं। लेकिन इस मास्क का एक बहुत अच्छा बेनिफिट है जो हमारा बहुत सारा टाइम सेव करता है। पहले हमें कहीं बाहर जाना होता था ना तो मम्मी बोलती थी, अरे बेटा 2 मिनट रुक जाओ, मैं मेकअप कर रही हूँ, और वो 2 मिनट कभी 2 घंटे के पहले खत्म नहीं होते थे, मैं बता रहा हूँ। लेकिन अभी मेरी मम्मी तो एग्जैक्ट 2 मिनट में ही रेडी हो जाती है, बस मास्क लगाया, रेडी। और फाइनली ज्वेलरी और लाइट्स के बिना दिवाली तो मनती नहीं है। तो ये लीजिए, मार्केट में आ गए हैं लाइट्स वाले मास्क। और ये भी बाकी है ज्वेलरी वाले मास्क। गाइस अगर सोचो कोकिला बहन ने ये वाला मास्क लगा दिया तो क्या होगा। ओहो, पहले ही वो इतने ज्वेलरी गहने पहनती, ऊपर से ज्वेलरी वाला मास्क, ओ भाई। और सोचो गलती से अगर उसका ये मास्क चोरी हो गया तो क्या होगा, तब तो सबकी बैंडी बजने वाली है। मैं थी, तुम थी, कौन था?
भैया कोकिला बहन के घर वाले पड़ोसी सब पागल हो जाएंगे, ये मैं थी तुम थी कौन थी, मैं थी तुम थी, तुम थी मैं थी सुन के बाप रे। So yeah, that is it for this video. Please share it with your friends and families if you can relate with it. And don't forget to subscribe. Bhai 1000 subscriber tak pahuncha do please. Lekin kuch bhi ho, hamein ye mask pehne rakhna chahiye. Ye mask hamari precaution ke liye hai jo hamein is virus se safe rakhta hai. So with that said, thank you for watching this video. As always, shukran, alvida, maslama, take care and do whatever you want. I'll meet you in my next video. Bye bye.